भक्तों, दुर्गा सप्तशती पाठ से पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए, माता की कृपा की प्राप्ति के लिए संपूर्ण अध्यायों के पाठ के साथ साथ आपको सप्तशती का शाप विमोचन एवं उत्केलन अवश्य करना चाहिए। यदि आप पाठ श्रवण कर रहे हैं तो आप शाप विमोचन एवं उत्केलन का श्रवण कर सकते हैं। यदि आप स्वयं पाठ कर रहे हैं तो शाप विमोचन तथा उत्केलन अवश्य करें। जय माता की। चंद्रबिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम अत्यधिक
तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं रकुटीकराल मुद्धच्च मुद्धच्च शांग सदृशच्छवियन्न सत्तः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तक दर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाये सद्धो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदनुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलमसु विपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि नाचासीदति धर्मवर्ग धन्यास्त एव निवृतात्म जगत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्याद्रतः प्रतिदिनं सुप्रतीकरोति स्वर्गं प्रयाति चाततो भवती प्रसादाल्लोकत्रये अपि फलदा ननु देवी तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारणी का तदन्य सर्वोपकारकरणाय सदा कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमुद्धिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत् प्रतिलोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवो अपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि ते यति साध्वी खड्ग प्रभानि कर विस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्ति निवहेन दृशो असुराणां यन्यागता विमल यन्यागता विलेमन्शु मन्दिदु खण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथेत दविचिन्त्य मतुल्यमन्यैः वीर्यं चाहन्त्रहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया वेत्थं केनोपमा भवतु ते यस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभय कार्यतिहारि पुत्र चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा त्वेव देवि वरदे भुवन त्रये अपि त्रैलोक्यमेतदखिलं विपुनाशनेन तातं तया समर मूर्धनि ते अपि हत्वा मुन्मुदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन पाहि चापज्ञानि स्वनेन च प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम चाचण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्य तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिर्वाच एवं कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धाता
धात्री तथा गंधानुलेपन भक्ता समस्त स्त्री दर्शैर दिव्यैर धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान प्रणतान सुरान दिव्युवाच व्रियताम त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवा उचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् वशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदः यश्च मर्त्यः इस्तवैरेभिस्त्वाम् इस्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तिर्विभवैर्थ नदारादिसम्पदां वृद्धेऽस्मत्प्रसन्नात्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इत प्रसादिता देवैर जगतो अर्थे तथा आत्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हितानप इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात्सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्ट दैत्यानाम तथा शुम्भ निशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छणुष्वमया ख्यातं तथावत् कथयामि ते जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रखते हैं उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है वे अपने कटाक्षों से शत्रु शत्रु को भय प्रदान करती हैं उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है वे अपने हाथों में शंख चक्र प्रमाण और त्रिशूल धारण करती है उनके तीन नेत्र हैं दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन झुक तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था देवता बोले संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनिया उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं वे हम लोगों का कल्याण करें जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से सब पुरुषों में शुद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है उन आप भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए देवी आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं आप में सत्व गुण रजोगुण तथा तमोगुण ये तीनों गुण सर्वथा विद्यमान है मौजूद है तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते आप ही सबका आश्रय हैं यह समस्त जगत आपका अंशभूत है क्योंकि आप सभी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं देवी संपूर्ण यज्ञों में
जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महावृत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले भोजन जिसका अभ्यास करते हैं वह भगवती परा विद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा है, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त साम वेद का भी आधार आप ही है। आप देवी त्रयी तीनों वेद और भगवती अर्थात छह ऐश्वर्यों से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कम नहीं है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने का परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही इतने गुणों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और नृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, इसलिए आप तीनों लोगों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयालु रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मरने से संसार को सुख मिले और ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शत्रु का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है, ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़क के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में
कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है, उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मार कर स्वर्ग लोक में पहुँचाया है तथा उत्तम तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लव में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न बदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त समृद्धि एवं वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। बाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कहा सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली ये देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत